भीम की सुहागरात से जुड़ी हुई कथा जानने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। भीम, हिडिंबा और घटोत्कच की कहानी क्या कहती है? महाभारत काल के समय की घटनाओं का अगर विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलेगा कि हर घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरवों ने मिलकर पांडवों की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के अंतर्गत उन सभी ने मिलकर लाख और मास से लाक्षागृह बनाया। उसमें कौरवों ने आग लगा दी। इस लाक्षागृह की आग से पांडव जैसे तैसे बचकर निकल गए। यहाँ से बचकर गुप्त मार्ग से वो जंगल में प्रवेश कर गए। इस जंगल में भटकते हुए जब वे लाक्षागृह और कौरवों के राज्य की सीमा से दूर निकले, स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे तो कुछ देर उन्होंने जंगल में विश्राम करने का निर्णय लिया और वन में भटकते भटकते रात हो गई। महारानी कुंती और सभी पांडव रात होने पर जंगल में सो गए, लेकिन सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांडु पुत्र भीम पहरा देने लगे। उस जंगल में महारानी कुंती और सभी पांडव प्रवेश कर रहे थे, वहाँ एक मायावी वन था। इस वन में राक्षसों का राज था। राक्षसों के राजा हिडिंब ने इस पूरे वन में अपनी माया का जाल बिछाया था। सभी राक्षस नरभक्षी थे, यानी कि वो भोजन के रूप में मनुष्य को खाते थे। राक्षसों के राजा हिडिंब ने मनुष्य की गंध महसूस कर ली। अब वो सभी पांडवों को अपनी राक्षस प्रजाति का भोजन बनाना चाहते थे। इसके लिए राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को अपने निवास तक लाने का काम सौंपा। अपने भाई हिडिंब का आदेश पाकर राक्षसी हिडिंबा इस कार्य को पूरा करने के लिए पांडवों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब राक्षसी हिडिंबा ने पांडवों के पास पहुंचकर देखा तो सभी पांडव विश्राम कर रहे थे और उसमें से पांडु पुत्र भीम पहरा दे रहे थे। राक्षसी हिडिंबा भीम को देखकर उन पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। जैसे ही राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो सुंदर स्वरूप धारण कर उनके समीप जाकर विवाह करने की बात बोलने लगी और इसी के साथ वो अपने असली रूप में आ गई, अपना परिचय दिया और अपने भाई हिडिंब की सभी पांडवों को खा जाने की योजना बताई। भीम को इस बात पर क्रोध आ गया। माता कुंती के साथ सभी पांडवों के राक्षसों के निवास पर पहुंचने पर हिडिंब बहुत खुश हुआ कि उसकी बहन हिडिंबा भोजन स्वरूप सभी मनुष्यों को लेकर आ गई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है, उससे विवाह करने जाती है और साथ ही साथ उसने सभी पांडवों और माता कुंती को भोजन न बनाने की प्रार्थना की, तो हिडिंब क्रोधित हो गए और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। भीम और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध हुआ जिसमें भीम जीत गए। इस युद्ध में भीम द्वारा राक्षस राज हिडिंब का वध कर दिया गया और इस प्रकार भीम विजयी घोषित हुए। भीम इतने क्रोधित थे कि वे राक्षसी हिडिंबा को भी मार देना चाहते थे, परंतु ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर के समझाने पर भीम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हिडिंबा को छोड़ दिया। राक्षसों की परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह राक्षस राज की बहन से या बेटी से किया जाता है और वो व्यक्ति राक्षसों का राजा हो जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों ने बताई तो भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया। माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे कारण था कि हिडिंबा और भीम दोनों अलग प्रजातियों से थे, एक मनुष्य तो दूसरा राक्षस। इसके पीछे दूसरा कारण ये था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और विवाह करके उस स्थान पर रुक जाने की असमर्थता भी बताई। तब हिडिंबा ने माता कुंती को विश्वास दिलाया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव को कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे ही हिडिंबा को संतान की प्राप्ति हो जाएगी वैसे ही इस स्थान को छोड़कर वो लोग जा सकते हैं। हिडिंबा के इस वचन को सुनकर, उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और हिडिंबा का विवाह करवा दिया और इस तरह से राक्षस रीति और रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भीम को राक्षसों का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार समय बीता और एक वर्ष में हिडिंबा और भीम के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। उसका सिर घड़े की भांति चमक रहा था। जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था तो भीम सहित सभी पांडव और माता कुंती उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। इस समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा नियुक्त किया और अपने परिवार से विदा ली। विदा लेते समय घटोत्कच द्वारा भीम को वचन दिया गया कि जब भी भीम उसका नाम तीन बार पुकारेंगे तो वो उनके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। महाभारत युद्ध के समय जब भगवान इंद्र छल पूर्वक महारथी कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लेते हैं तब भगवान इंद्र बहुत खुश होते हैं और महारथी कर्ण को वरदान स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। महारथी कर्ण इस दिव्यास्त्र का प्रयोग एक ही बार कर सकते हैं। जिस दिन महारथी कर्ण द्वारा पांडु पुत्र अर्जुन को मारने की योजना बनाई जाती है तो इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चल जाता है और वो समझ जाते हैं कि महारथी कर्ण उस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन के प्राण लेने में करेंगे। वो इसका उपाय ढूंढते हैं और घटोत्कच को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है।
भीम द्वारा घटोत्कच का नाम जैसे ही तीन बार पुकारा जाता है, घटोत्कच अपने पिता भीम के सामने प्रकट हो जाता है। तब भीम उसे युद्ध में आए हुए संकट के बारे में बताते हैं और उससे सहायता करने के लिए कहते हैं। घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचकर कौरवों की सेना को खत्म करने लगता है। मनुष्य का कोई भी अस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। घटोत्कच के युद्ध भूमि में आने से कौरवों को अपनी विजय पराजय में बदलती हुई प्रतीत होती है और इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए दुर्योधन अपने मित्र महारथी कर्ण से भगवान इंद्र द्वारा वरदान स्वरूप दिए गए दिव्यास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहता है। महारथी कर्ण को ना चाहते हुए भी दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ता है। इस प्रकार भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, भीम और हिडिम्बा के भूतकाल में हुए विवाह का प्रयोजन ये था कि उसकी संतान भविष्य में होने वाले युद्ध में अपना बलिदान देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों, अब इस कहानी को सुनने के बाद तो आप भी यही कह रहे होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।